नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और एक और खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं जेंजी क्रश, इन्हें कहा जाता है सोशल मीडिया पे, कनिका देवरानी विद अस। कनिका, वेलकम टू न्यूज़ एक्स एंड इंडियन न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, आज आपका अवार्ड, आप लाइन ही साथ, बट आपको मेरा अवार्ड यहीं पे है। हाँ, आज आपको शक्ति अवार्ड मिला है। हाँ जी। एंड सीएम आतिशी जी ने आपको अवार्ड दिए, जो खुद भी एक महिला शक्तिकरण का एक काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस खुद फैला रही है इस समय, खासकर दिल्ली में हम बात की जाए, सेंट्रल कैपिटल है। तो उनके हाथ से जब अवार्ड मिला और आपने उनके पाँव भी छुए जो मैंने देखा स्टेज पे, तो हाउ वॉज दैट मोमेंट? वो तो लाइक अवार्ड दे दो आप। हाँ तो पहले तो मैं लाइक डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही कि ऐसा कुछ भी हो गया मेरे साथ। तो काफ़ी स्पेशल मोमेंट था ऑब्वियसली, एंड मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और जो अपने पाँव छूने वाली बात बोली, वो लाइक वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतने एक्सपेक्टेड नहीं था, तो एंड इतनी बड़ी बात थी कि दैट मैंने उनके पाँव छुए, आशीर्वाद लिया। एंड व्हाट डिड शी सेड? अरे अरे कोई नहीं, इतना नहीं, मतलब थोड़ा वो हो गया ना लाइक कि हाँ, बट काफी अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड मोटिवेशन आई इससे और ज्यादा। अब दे दो, हम तो देख लिया सबने। बिल्कुल, तो जी हाँ, मोटिवेशन आप बोल रहे थे। कि मतलब अवार्ड मिल के लाइक और ज्यादा मैं मोटिवेट हो गई कि हाँ, मुझे और कुछ किया मैंने, हाँ है कुछ तो, हाँ ऐसा फील हुआ, एंड अब और आगे बढ़ना है। ये तो वो शुरुआत थी, और आगे आगे जाना है। बिल्कुल, आप कनिका स्पेशली उत्तराखंड से ट्रेवल करके दिल्ली आई हैं स्पेशली इस इवेंट को अटेंड करने, और जो सीएम सिंह को अवार्ड आज मिलना था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी, पहला टीवी इंटरव्यू भी था आपका, तो ये तो पूछेंगे, लेकिन जो जर्नी उत्तराखंड से एंड नाउ ग्लोबल, सॉरी नेशनल स्टार, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कंटेंट क्रिएटर्स अलग तरह का कंटेंट बना रहे, बट आप बिल्कुल अलग कंटेंट बनाते हैं, और आपका यूएसपी भी है वो। तो ये जो जर्नी है उत्तराखंड की, एक गढ़वा पौड़ी की एक लड़की जो छा रही है समय सोशल मीडिया की, तो हमारे लिए तो अब चलो लाखों फॉलोअर्स हैं, अब तो इजी है कि भाई ये देखिए दाग किसके हैं, लेकिन वो जो जर्नी थी लाखों तक पहुंचने की जीरो से, तो हाउ वाज दैट जर्नी? सो मैंने तो यूट्यूब चैनल तो मैंने 2018 से स्टार्ट कर दिया था, बट वो इधर रेगुलर पोस्ट नहीं करती थी, तो क्योंकि स्कूल में स्टार्ट किया था, देन एग्जाम्स वगैरह मैंने बहुत ट्राई करी मैं पोस्ट करूँ, बट वो नहीं हो पाता था। खैर वो एक्सक्यूज़ के लिए भी लेते हैं हम लोग, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, अगर आपको सच में करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सो धीरे धीरे करके फिर मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मेरे कम ही सब्सक्राइबर्स थे, बट स्टिल मैं करती थी। देन मैं कॉलेज के लिए शिफ्ट हुई नोएडा, अभी भी नोएडा ही रहती हूँ एक्चुअली, मैं उत्तराखंड घर गई थी, बट स्टिल मैं स्पेशली आई, मैंने कहा चलो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो हाँ, तो मैं कॉलेज के लिए शिफ्ट हुई नोएडा, अभी 4 साल मेरे को हो गए नोएडा में, एंड देन मैंने यहाँ पे अकेले रहना स्टार्ट किया। सो हाँ, सिंगल अकेले रहना स्टार्ट किया, पीजी भी नहीं था, वो रूम लिया एक छोटा सा, मैंने उसमें स्टार्ट किया, सब कुछ खुद से मैनेज करा, एंड कुकिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना, सब कुछ करती थी, फिर कॉलेज भी जाना होता था, 9 to 5 कॉलेज होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे, मतलब मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो घर से लाइक डर लगता था पैसे मांगने में, तो लिमिटेड मिलता था, तो मेरे को ये रहता था कि मुझे नहीं मांगना, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि घर से पैसे मांगूं। और दूसरी साइड मेरे को ये था कि मेरे को इन्जॉय भी पूरा करना है, कि मैं घर से बाहर हूँ, मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ पूरी इन्जॉय करनी है, घूमना है, मज़े करने हैं, वीडियोज़ बनाने, ये सब मेरे को था। तो धीरे धीरे करके मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी। क्या जॉब स्टार्ट की? मैं पियानो सिखाती थी छोटे बच्चों को, होम ट्यूशंस देती थी, तो मैं कॉलेज के बाद ट्रैवल करके ग्रेटर नोएडा जाती थी, नोएडा से देन मैंने वहाँ से स्टार्ट करा, फिर पहले मेरे पास एक ही स्टूडेंट था, देन धीरे धीरे करके मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हो गए थे, एंड इंटर्नशिप करती थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, सो दो दो इंटर्नशिप्स करती थी, देन उसके साथ पूरा कॉलेज वगैरह सब मैनेज करती थी। फिर यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया दोबारा से, अच्छे से ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया लास्ट ईयर, एंड देन मैं मैनिफेस्ट तो करती ही थी कि कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए। सो देन लाइक सेप्टेम्बर अक्टूबर की बात है कि मैंने सोचा ओमेगल, सॉरी, एक प्लेटफॉर्म था, तो मैंने सोचा वो ट्राई करती हूँ, उसमें वीडियो बनाऊँगी। तो देन मैं बस ऐसी बैठी थी उसमें, देन मेरे को कोई क्रिएटर मिले वहाँ पे, नाम ले सकती हूँ? हाँ, तो मेरे को वहाँ पे एक क्रिएटर मिले आदर्श, एंड वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, देन हमारे वीडियोस उसमें वायरल हो गए, हमारी कॉन्वर्सेशन जो थी वो वायरल हुई, एंड हाँ देन वो मुझसे मिलने भी आया, एंड उसके बाद तो इतना वो वायरल गया, वो वीडियोस काफी रील्स में काफी ज्यादा चले, वो काफी वायरल गया, एंड मेरा चैनल भी बहुत बूस्ट हो गया, क्योंकि मैं पोस्ट करती थी, ठीक है, मैं उससे पहले भी मैं वीडियोज बनाती थी एंड लोग देखते थे, तो
उन वीडियोस में भी बहुत बूस्ट मिला मेरे को एंड एकदम से मेरा चैनल एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया एंड इंस्टा पे भी फॉलोअर्स बढ़ गए मेरे तो आदर्श का भी बहुत हाथ है आपको वायरल करने में। हाँ, तो मैं आदर्श के तो मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ। लेकिन आदर्श का आपने नाम लिया तो कुछ लोग इसको गलत एंगल से भी इस समय सोशल मीडिया पे बातें करते हैं कि आपका और उसका कुछ रिलेशनशिप है ऐसे, तो ये भी क्लियर आउट करें कि क्या मैटर क्या है प्रॉपर। नहीं नहीं, कुछ रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, हम दोस्त हैं। नहीं तो सभी बोलते हैं। नहीं नहीं, सच में हम अच्छे दोस्त हैं। और लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, शाहरुख खान ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं, मेरे बहुत दोस्त हैं, लड़के बहुत दोस्त हैं मेरे। एंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिस प्लेटफॉर्म पे आप मिले वहाँ तो लोग स्ट्रेंजर्स से अपना बनने के लिए आते हैं। अपना बनने के लिए भी नहीं आते, लाइक वो बहुत चल रहा था उस टाइम पे, है ना, वो एज अ कंटेंट भी बहुत लोग यूज कर रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने भी बस मैं ऐसे ही बैठ गई उसमें, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। देन वहाँ पे मेरे को वो मिल गए एंड देन वो एकदम से वायरल वगैरह हो गया। देन हम लोग भी अच्छे दोस्त बन गए, अभी भी हम दोस्त हैं अच्छे से। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत लग रही है आज आपने जो ड्रेस पहनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैशन स्टेटमेंट क्या है कनिका के लिए, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि फैशन भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, ट्रेंड में चल तो रहा है, बट मेरा फैशन सेंस उतना अच्छा नहीं है, मेरा बहुत बेसिक है, मेरे को सिंपल रहना। नहीं, अच्छे तो अच्छे लग रहे ना, अच्छे तो। हाँ, देखो वो ही बोल रहे। थैंक यू, बट मेरे को ना बहुत बेसिक रहना पसंद है, सिंपलिसिटी। हाँ, सिंपलिसिटी पसंद है मेरे को ज्यादा। बट अब मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी फैशन के फील्ड में भी, क्योंकि अब इस फील्ड में घुस चुके हैं तो इधर तो बाउंड्रीज नहीं है कुछ भी, धीरे धीरे करके सब एक्सप्लोर करूंगी। तो अभी देखते हैं, क्या पता आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में मेरा फैशन स्टेटमेंट चेंज हो जाए। अभी तक तो इट्स वेरी नॉर्मल, सिंपल, बेसिक, यही है। नहीं, वो कहते भी ना कि तुम सादगी में कमाल लगती हो, ना बदलो खुद को। तो एक और चीज में आना चाहूंगा, शक्ति अवार्ड। हाँ। जैसे मैंने बात की, शक्ति अवार्ड आपको जो मिला है। हाँ। तो जब आपका ब्रेकडाउन कोई मोमेंट होता है, या लोग की लाइफ में मोमेंट रहता है, या कोई भी ऐसा टाइम आता है कि यार क्यों मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ उस समय शक्ति कहाँ से आती है कनिका को? मैं पहले तो जब ऐसा होता है तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। पर अकेले अकेले रहते हैं, मैं अकेले रहती हूँ। हाँ, तो पहले तो मैं मतलब पैनिक हो जाती हूँ, फिर ऐसी मेरी बहन है, छोटी बहन है, तो मैं उससे बात करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, अपने दोस्तों से बात करती हूँ। सब मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं मेरे, मतलब मेरे लिए सबसे बहुत मतलब अच्छी बात है कि मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मेरे फ्रेंड सपोर्टिव हैं, तो वो लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। वहाँ से शक्ति मिलती है। वहाँ से शक्ति मिलती है। अगला सवाल मेरा यह है कि आर्मी बैकग्राउंड से आपने बताया आप हैं, और फादर साहब जो हैं या जो भी पेरेंट्स आपका, वो क्योंकि उत्तराखंड में बहुत आर्मी का बहुत रहता है। मेरा प्रॉपर आर्मी बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी, नाना जी, मामा, अच्छा, ताऊ जी, पापा, चाचा सब आर्मी के। तो बेटी कर रही है जो सोशल मीडिया को सब, और जो पेरेंट्स हैं और जो बाकी हैं वो इंडिया को सब कर रहे हैं फिजिकली। बात करते हैं तो उनको मनाना कितना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आपने खुद बताया बहुत स्ट्रिक्ट थे या वो डर लगता था, तो जब आपने उनको, वो भी वीडियोस देखते होंगे और वो बोलते होंगे कि ये क्या है, या उनको उनको वो समझ नहीं आता, वो उस एरा के नहीं है। तो पापा तो खैर आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो आर्मी में तो रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो उनको सबको यही लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस में बच्चा ज़्यादा ऊपर जाता है। बट हाँ, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मम्मी बहुत अच्छी, पापा भी अच्छे हैं, मतलब सॉरी, मम्मी ज़्यादा अच्छी, मतलब अच्छी तो क्या, मम्मी ज़्यादा सपोर्टिव थी पहले से, पापा अब हैं सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं अब। और क्या होता था कि पहले तो 11th में जब ऑप्शन था साइंस लेने का, आर्ट्स लेने का, तो पहले मैंने साइंस ली थी पापा के कहने पे, देन मैंने वो चुपके से छोड़ के मैंने आर्ट्स ले ली थी। देन पापा थोड़ा गुस्सा हुए थे, क्योंकि उनको था कि मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग करनी है, यही सब करना है, बट धीरे धीरे वो समझ गए थे। देन उसके बाद जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, और वैसे ना मैं बताऊँ तो उत्तराखंड में लोग ज़्यादा फ़ोन वोन यूज़ नहीं करते इतना, अब तो करने लग गए हैं, बट मेरे पापा तो वहाँ चिट्ठी लिखते, नहीं चिट्ठी नहीं, मतलब इतना YouTube वगैरह सोशल मीडिया में इतना नहीं है पापा का। हाँ, पापा इतना इन्वॉल्व नहीं थे कभी से भी, तो उनको पता नहीं था कि मैं YouTube कर रही हूँ, पहले से नहीं था पता, इतना आइडिया नहीं था उनको कि क्या कर रही है। तो फिर जब ये हुआ कि मैं जब वायरल हुई, उसके बाद पापा को पता लगा, मैंने बताया कि पापा ऐसा ऐसा है, तो पापा को पता लगा इस फील्ड के बारे में कि इसमें भी करियर है। एंड अब तो पापा बहुत खुश रहते हैं, वहाँ पे लोग पापा को भी पहचानते हैं कि आप कनिका के पापा हो। तो अब तो बहुत सपोर्ट है। जब आपने पहली बार उनके हाथ में पैसे ला के रखे कि मेरी मेहनत की कमाई है, तो वो मोमेंट कैसा, किसको दिए पैसे? तो मैंने ऐसे पैसे कुछ गिफ्ट तो नहीं कुछ दिया रखे, क्योंकि मैं कैश रखने में बहुत खराब हूँ, तो मेरा ऑनलाइन ही रहता था, ऊपर से मैं फैमिली से दूर रहती हूँ, तो जो मेरी पहली पेमेंट थी उनसे मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा था। बताया तो होगा कि आई एम अर्निंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। मैंने बताया,
तो उनको मैंने एक्चुअली मैंने पार्ट टाइम से अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, तो फर्स्ट गिफ्ट तो मैंने उनको अपनी सैलरी से स्टार्टिंग में ही दे दिए थे. तो उसके बाद जब यूट्यूब से स्टार्ट किया तो देन मैंने दोबारा जब मेरी पहली इनकम आई उसके बाद मैंने पापा मम्मी को गिफ्ट्स दिए एंड काफ़ी अच्छा रिएक्शन था उनका. पापा तो पहले थे कि नहीं 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 क्या ज़रूरत है इसकी लाने की क्या, तो बट धीरे धीरे करके ओके. अब तो पापा खुला बोलते हैं मुझे ये चाहिए करना ज़रा ये ऑर्डर कर दे. ये भी एक मोमेंट के लिए इंतजार करते हैं बच्चे खासकर जो वो दे पाए अपने पेरेंट्स को. तो अब रियलिटी शोज का ना जमाना चल रहा है, यू ऑल्सो नो, चाहे गेमिंग शो हो चाहे रियलिटी बेस्ड शोज हो, रोडीज, बिग बॉस, प्रिंसिपल, लव स्कूल, प्ले ग्राउंड. तो मतलब कनिका का क्या हम देख पाएंगे अपकमिंग किसी रियलिटी शोज में, क्योंकि ऑफर तो आते होंगे बिल्कुल जिस तरह की आपकी रीच है और जो आपकी फॉलोइंग है. ऑफर तो आए थे एक दो के ऑडिशन के लिए, बट नाम तो मैं नहीं लूंगी ऐसे, बट रियलिटी शोज था. हाँ, आए थे, बट मुझे लगता है कि मैं अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ रियलिटी शोज के लिए. एंड क्यों ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि जैसे कि आप देखते हो टीवी में जो भी रियलिटी शोज आते हैं उनमें लाइक आजकल तो टीआरपी के लिए लाइक गुस्सा करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तो वो सब मेरे पास की नहीं है. नहीं, बट प्यार वाले शोज भी हैं, स्प्रिट्स विला है, लव प्यार वाले के लिए तो नहीं, नहीं, नहीं अभी तो नहीं, प्यार से अभी दूर ही है. प्यार से अभी दूर है. हाँ, प्यार से अभी दूर है. अभी जनता का प्यार बहुत है. अभी जनता का प्यार बहुत है. तो रियलिटी शोज इसलिए मेरे को लगता है मेरे लिए नहीं बने, क्योंकि मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में ऐसी, मैं नहीं कर सकती ये सब ज़्यादा. मैं सिर्फ कुछ लोगों पर गुस्सा कर पाती हूँ, वो भी मेरे काफ़ी क्लोज वाले हैं जिन्होंने मेरा गुस्सा देखा है, मेरा चिड़चिड़ापन देखा है, बाकी नॉर्मली मैं ऐसे हूँ. हाँ. Okay. So, acting, में जान करने का कुछ मन है या फिल्मों में या OTT जहाँ से कुछ अगर ऑफर आता है तो? हाँ, एक्टिंग मैं ट्राई करना चाहती हूँ और अभी मैंने कहीं रिवील नहीं किया है, बट मैं यहीं पे करती हूँ एक्सक्लूसिव कि मतलब अभी तो जैसे आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो ठीक है नॉर्मल, तो मैं अब धीरे धीरे करके अपना म्यूजिक में भी शिफ्ट करी, म्यूजिक वीडियोस एंड ऑल, तो खुद का ही सब आने वाला है जल्दी, एक प्रोजेक्ट आने वाला है. आप गाएंगी भी लिखेंगी भी, कंपोज हो जाए दो लाइनें यहां पे, व्हाई नॉट. उस गाने की तो नहीं, उस गाने की नहीं, मतलब जो अभी गाना, कोई गाना चाहे आप, कोई गाना आपके दिल के करीब हो. हां, मैं गाता हूं, मुझे आता होगा बोला तो. तो नॉर्मल सा कोई कोई भी गाना गा. अजीब रास्ता है, अजीब रास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके क्या बात है भाई. अरे आप बहुत अच्छी आवाज है यार, कहाँ ये टैलेंट कहाँ छुपा था. थोड़ा नर्वस हो गई, सॉरी दोस्तों, बट जल्दी एक प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको मेरा फिर दोबारा करेंगे एक और प्रोजेक्ट पॉडकास्ट. तो दोस्तों ये काफी अच्छी न्यूज है आप सभी जितने फॉलोअर्स हैं उनके लिए. और आखिरी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कनिका के लिए प्यार क्या है? गुड थिंग जिनको मिलता है उनका कामयाबी है. प्यार तो देखो मुझे फैमिली से इतना मिला. नहीं, आप वो आप क्वेश्चन मत चेंज करो. अब मुद्दे पे आओ. प्यार मतलब है कि मतलब सपोर्टिव होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, सपोर्टिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और काइंड होना चाहिए. ठीक है, और ये है कि मतलब मुझे ये रोक टोक वगैरह ज्यादा पसंद नहीं, तो मुझे ये नहीं पसंद कि कोई ऐसा मेरा पार्टनर हो जो मुझे रोके किसी चीज को करने से, बोले कि नहीं ये नहीं करना, तो मैं तो खुद से ही उससे दूर हट जाऊंगी. और विचार होगी और हां, और गुड लुकिंग हो. गुड लुकिंग इतना मैटर अच्छा? नहीं करता. हां नहीं यार, ये कहां है ये लड़कियां भाई जो ऐसे बोलती सच्ची. और वैसे तो मैं पहाड़ी होना चाहिए घर की. नहीं नहीं नहीं, पहाड़ी घर की हूँ, बट स्टिल मेरे घर वालों ने बोला है कि कोई बात नहीं, लड़का पहाड़ी नहीं भी हुआ तो चलेगा. ओह ओके, सो आपने ये बता दिए भाई ये क्वालिटीज आप में है, तो डीएम कनिका फॉर अच्छे रिश्ते तो बिल्कुल. तो एक तो ये सवाल है, बाकी हाँ आप बता रहे थे प्यार के बारे में कुछ. प्यार यही बता रही थी क्या कि होना चाहिए अच्छा इंसान. बाकी देखो जिससे मैं प्यार करूंगी तो उसके लिए तो मैं वो हो जाती हूँ पूरी लॉयल. हाँ, सिंपल. अच्छा, प्रॉपर. अब बिल्कुल, तो अभी एक रैपिड फायर कर लेते हैं क्विक, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब आपके. तो पहला सवाल कि जब सबसे पहले उठते हैं तो क्या आपका पूरा दिन का रहता है, शेड्यूल क्या क्या, डे प्लान? डे प्लान
तो सबसे पहले उठती हूँ, तो जैसे कि मैं अकेले रहती हूँ तो सबसे पहले उठते ही नहा के पूजा करती हूँ, देन साफ सफाई, नाश्ता बनाया अपने लिए। तो अब तो खैर जब से कॉलेज खत्म हुआ रूटीन टूट गया है तो कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी मोस्टली मैं स्किप कर देती हूँ, पर जब तक कॉलेज था तब तक तो बहुत ऐसे प्रॉपर शेड्यूल था फिक्स। तो नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद देन काम पर लग जाती हूँ, वीडियोज़ वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह, एडिटिंग एंड रील्स, यही सब पूरा दिन का। फिर सेकंड क्वेश्चन कि एनीथिंग यू बैड एट? बैड एट, बैड एट मुझे लग रहा है कि बीइंग फेक भी है और डांसिंग। दूसरा मेरे को डांस करना बहुत पसंद है पर मेरे को ढंग से आता नहीं है। मेरे को भी है ना, तो मुझे बड़ा मजा पंजाबी वो जो होता है वो मैं पंजाबी गढ़वाली सब थोड़ा थोड़ा, तो मतलब मेरे को करना बहुत पसंद है। मैं कहीं पे रुकती नहीं हूँ, कहीं पे अगर डांस करने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, डीजे बज रहे कुछ बज रहे तो मैं चले जाती हूँ, बट मेरे को ऐसे अच्छा डांस नहीं आता, तो मैं सीखना चाहूंगी। अगला सवाल की ऐसी कौन सी चीज है खाने की जो आपको पूरी जिंदगी चाहिए कि ये चीज तो मैं नहीं मिस कर सकती? खाने की तो पहाड़ी खाना। उसमें स्पेसिफिक, उसमें स्पेसिफिक होता है, हमारी धबड़ी भात होता है तो हरे पत्तों का साग होता है, वो साग भात, थिचोनी भात और फाणू भात, मतलब स्पेशली हम लोग भात बहुत खाते हैं, चावल हम लोग बहुत खाते हैं, तो ये सब मतलब पहाड़ी खाना प्रॉपर वो मेरा कंफर्ट फूड है। बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ? फियर ऑफ माय लाइफ, फियर ऑफ माय लाइफ तो वही है कि मतलब लव्ड वन को लूज नहीं करना चाहती, एंड थोड़ा हाँ उसके बारे में बहुत सोचती हूँ मैं कि कैसे होगा। मैं इमेजिन मतलब कब होता है ना, ओवर थिंकर रात में सोचते हैं कि अपने आप ही क्या होगा मेरा अगर ये नहीं हुआ, तो अगर ये चले गए तो क्या होगा, तो वो चीज़ मैं बहुत सोचती हूँ। बिल्कुल। एनी मैनिफेस्टेशन और एनी ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ योर्स? ड्रीम प्रोजेक्ट तो अभी आ रहा है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था तो वो तो मैं काफ़ी सालों से चाहती थी, एंड लिखती हूँ मैं थोड़ा बहुत तो हाँ मतलब खुद ही लिखा है मैंने वो गाना। हाँ वो गाना भी मैंने खुद लिखा है, कंपोज भी मैंने लिखा है। तो एज अ लिरिसिस्ट भी डेब्यू है और एज अ सिंगर भी और एज अ मॉडल भी और एज अ कंपोजर भी। ओह अरे वाह। हाँ तो वही मेरा बिगेस्ट ड्रीम था जो कि मैं धीरे धीरे करके पूरा करूंगी, मतलब अभी तो होने वाला है। दिल्ली आप आई हैं तो दिल्ली का कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड आपका? दिल्ली का फेवरेट स्ट्रीट फूड मोमो। वो तो वहाँ भी मिलता है? वहाँ भी मिलता है, मतलब दिल्ली मोमो और दिल्ली में ना मैंने कुरकुरे मोमो खाए, तो नोएडा में है एक जगह तो वहाँ के मुझे बड़े पसंद है, हम वहीं के खाते कॉलेज से स्टार्ट करा। 119 तो नहीं है वो? नहीं 119 नहीं है वो, 75। हाँ चंदा फूड करके। हाँ तो वहाँ पे बहुत खाते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो छोले भटूरे या छोले कुलचे? छोले कुलचे। ओके। गोलगप्पे या फिर पाव भाजी? गोलगप्पे। ओके। एक लास्ट सवाल कि एक तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आपके आने वाले उसके बारे में, और लोकी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। लोकी मोमेंट क्या है मेरी लाइफ का? यही नहीं 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 ये तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं लोकी मोमेंट मेरी लाइफ का अभी तक जिसको मैं बोलूं कि ये नहीं होना चाहिए था या इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। Just enjoying the journey. हाँ, मैं तो बस go with the flow वाली हूँ। बिल्कुल। और last में अब dream projects आपका जो एक तो वो तो बताया आपने जो debut आप कर रहे हैं, लेकिन future projects जो भी आने वाले हैं अपने fans के लिए message जाते जाते। तो future projects में अभी तो मैं जिस सिर्फ एक में काम कर रही हूँ और वो काफी महीनों से काम चल रहा है, उसके बाद और आएंगे धीरे धीरे करके, एंड एक्टिंग में भी ट्राई करूंगी, अभी एक्टिंग सीखूंगी और अच्छे से, देन एक्टिंग में ऑडिशंस वगैरह भी ट्राई करूंगी, एंड बस आप लोग का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, एंड आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा क्योंकि अब मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ अपने आप को भी और इस फील्ड को भी और अच्छे से, एंड बस स्टे ट्यून्ड। तो ये खास पॉडकास्ट में हमारे साथ ही कनिका, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इट्स लवली इंटरेक्टिंग यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जब आपका नया प्रोजेक्ट आएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और ये थे हमारे साथ कनिका। कनिका थैंक यू सो मच। थैंक यू। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द NewsX YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।